नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार को किया सीज। शिवसेना के प्रदेश सचिव लिखी कार चेकिंग के दौरान किया गया सीज। कार पर लगा हुआ था हूटर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन। कार में सवार थी 4 लड़कियां व लड़के। कार चालक ने पुलिस के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ की बदसलूकी। कार सवार लड़कियाँ आर के एक्स्ट्रा की हैं कलाकार। पुलिस ने कार सवार लड़कियों के आईडी कार्ड देख लड़कियों को छोड़ा। एक सपा नेता के कार्यक्रम में जा रही थी लड़कियां। थाना कमालगंज क्षेत्र का मामला, फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। डॉक्टर अनुज कुमार दुबे है, मैं यहाँ FST प्रभारी भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में टीम नंबर 3 में तैनात हूँ। और इस समय जो है हम लोग कमालगंज रोड पे भटपुरा क्षेत्र के पास में जो गैस गोदाम है यहाँ पर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। और चेकिंग के दौरान हम लोगों को यहाँ पर एक वाहन जो है वो थोड़ा सा संदिग्ध प्रतीत हुआ, उसे हम लोगों ने रोका है यहाँ पर। और रोकने पे उसमें जो है प्रदेश सचिव शिवसेना का आगे पीछे स्टिकर लगा हुआ है, जो कि आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जिसपे कि हम लोगों ने 171H के तहत जो है उस पर मुकदमा दर्ज किया है। उसके साथ साथ उस पर लाउड स्पीकर भी लगा हुआ था। और गाड़ी को रोके जाने पर उसमें जो है 4 लड़कियां उसमें थीं, जिसके लिए हम लोगों ने पास के ही थाना क्षेत्र से महिला कांस्टेबल को बुला के उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने बताया है कि हम यहाँ पास में ही किसी जो है शादी समारोह में कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उन लड़कियों के साथ उनके परिजन जो थे उनके साथ में थे। पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजन के साथ बाइज्जत रुखसत कर दिया गया है। और लाउड स्पीकर एक्ट 3/177 के तहत गाड़ी का चालान कर इसे सीज किया गया है। थाने में गाड़ी को रखवा दिया गया है, और उसमें जो स्टिकर लगा हुआ था वो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उस पर 171H के खिलाफ तहत उस पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उनके जो 7 वाले थे, जो लड़कियां गाड़ी में बरामद हुई हैं, ये कहाँ के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं? ये देखिए, इन लोगों से जब महिला कांस्टेबल ने पूछताछ की है तो उन्होंने बताया कि हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं। उनमें एक लड़की के पास उसकी आईडी प्रूफ भी थी, और ये बताया जा रहा था कि हम लोग पास में ही फरुखाबाद में ही किसी शादी समारोह में कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो ये जो लोग बता रहे, थाने में देखा गया है कि मतलब अश्लीलता पूर्व लड़कियां कपड़े पहनी थी, ऐसा कुछ है क्या मामला? देखिए, कपड़ों के लिए ज़्यादा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बारीकी से ऐसी कोई छानबीन नहीं करी है, लेकिन जो है महिला कांस्टेबल द्वारा उनसे जो भी चीज़ पूछी गई है उसका जो है उचित उन्होंने उसका जवाब दिया है। और जो आसपास के लोगों ने भी जो है देखा है मौके पे, तो हम लोगों ने उनसे केवल यही पूछताछ की है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी विनम्रतापूर्वक, क्योंकि जो है वो भी हम लोग जो है आदर्श आचार संहिता के तहत केवल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। उसमें जो भी पूछताछ की गई है वो संबंधित थाना के जो है महिला कांस्टेबल को बुला कर ही। उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है? जी, उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है, और उनकी जो रिपोर्ट है वो संबंधित थाने में हम लोग।